हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। सलोन फैक्ट में आपका स्वागत है गाइस। तो आज मैं लेके आया हूँ हेयर स्प्रे के ऊपर टॉपिक। गाइस, कितने आपने देखा होगा कितनों के बाल को इतने सिल्की होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, वो स्टे नहीं कर पाते, सेट नहीं कर पाते लुक लाइक। कितने लोगों को पसंद है छपरी स्टाइल, वो भी छपरी स्टाइल जैसा बनना चाहते हैं थोड़ा, मतलब उनके बाल है क्या सिल्क है, सॉफ्ट है, स्टे नहीं कर पाते। उसके लिए वो क्या करते हैं, हेयर वैक्स यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है ना, वो होता है गाइस हेयर स्प्रे। वैक्स क्या करती है, बालों पे लगी रहती है और जो क्या है लेयर चढ़ा देती है बालों पे, और सनलाइट में वो क्या होता है ना, वही सनलाइट में ना क्रैक कर देती है बालों को, और बालों में क्या होता है दो मुँह के बाल बन जाते हैं। तो हेयर स्प्रे क्या होता है गाइस, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, एकदम क्रिस्टल साइन में होता है, वो हेयर को एकदम हेल्दी भी रखता है और बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करता। होल्डिंग पावर देखा जाए तो वैक्स से ज़्यादा हेयर स्प्रे में होती है गाइस। कितना आपने देखा होगा गर्ल्स की स्टाइलिंग होती है, उनके देखे कितने लॉन्ग हेयर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जेल तो बहुत 99% लोग जेल यूज़ नहीं करते। लेडीज़ में सबसे ज़्यादा जो स्प्रे यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टाफ का गाइस। लेडीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाफ का है, और टाफ का गाइस ये 5 नंबर। तो इस नंबर का क्या मतलब है गाइस, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 6 नंबर क्या है, क्रिस्टल साइन ब्लू कलर का होता है गाइस का। 4 नंबर भी आता है, और इसका जो मेरे पास है वो 5 नंबर का है, वो है पावर होल्ड 72 स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। यानी कि गाइस ये नो स्टिकनेस है और नो एक्सीडेंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा बालों को स्टिक भी नहीं करता, वो सबसे अच्छा है। वो बात आती है इस स्प्रे की एनजो भी, ये सबसे चीपेस्ट स्प्रे मिल जाता है गाइस आपको, और इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो 420 ml यानी 420 ml, और इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो सिर्फ 250 ml है। ये देखो गाइस आपको दिख रहा होगा 250 ml है, और इसकी जो क्वांटिटी है 420 ml है। ये देखिए गाइस 420 ml, और इसका रेट देख सुनोगे ना आप गाइस हैरान हो जाओगे। 420 ml, आप भी गैस करो। पहले मैं इसका रेट बताता हूँ, इसका रेट है 230 रुपये गाइस। पहले 200 रुपये का था, अब 30 रुपये बढ़कर आया है। टाफ का रेट है 230, और ये है जैसे मैंने बताया 250 ml। अभी सोचो ये तो 420 ml है, कितने का होगा गैस करो। गैस ही मार्केट में लोगों को मिलता है 150 का, 170 का, 180 का, लेकिन रियल प्राइस का 100 है। मैं 100 में ही लाया हूँ, जो हमारे सैलून में ये जो आता है ना, ये 100 रुपीज़ में आता है। और इसकी होल्डिंग पावर की बात करें, कितनी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, इसकी तारीफ़ें भर रखी है, इतनी सारी तारीफ़ें भर रखी है, इसकी होल्डिंग पावर अच्छी है, इसकी ये स्टिकनेस नहीं करता हेयर को, बिल्कुल माइल्ड है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये हेयर स्प्रे मैं दिखाता हूँ आपको, आधी हवा भरी होती है इसमें, इतना करने के बाद तब जाके लिक्विड साइन, ये देख रहे हो, इतना करने के बाद देखो इतने में तो लिक्विड आया ही नहीं। ये देखिए उसकी जो होल्डिंग पावर देखिए इसमें गाइस, एक जो हेयर स्प्रे होता है ना उसमें होल्डिंग पावर हाथ पे करोगे ना चिपचिपाहट से महसूस होगा, उससे पता चल जाता है इस स्प्रे की होल्डिंग पावर कितनी है। इसकी बिल्कुल भी होल्डिंग पावर नहीं है। ये बोलते हैं बिगनर को सीखने के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए, वो बेसिक हेयर स्टाइलिंग, एडवांस स्टाइलिंग में जो लाइनिंग होती है क्रिएट करते हैं, मरमेड ब्रेड बनाते हैं और एडवांस कल्स आ जाते हैं, उसमें बिल्कुल काम नहीं आने वाला। ये मैम बेस्ट है, चीपेस्ट प्राइस में 100 रुपीज़ का है। ये जो जेंट्स होते हैं, हम जैसे बॉयज होते हैं, वीडियोस बना ली, वीडियो शूट कर ली, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। ये देखिए भाई, उनके लिए बेस्ट है हेयर स्प्रे, ये उनके लिए बेस्ट है। जैसे कि आपने वीडियोस वगैरह बना रहे हो, अगर इसकी स्टे पावर नहीं है, अगर जैसे कि आपने अभी बनाया, अभी स्प्रे करा है, तो इसकी चलेगी 1 से 1.5 घंटा। और इस हेयर स्प्रे की बात करूँ ना गाइस, इसकी पावर मैं दिखाता हूँ, इसमें इतना सा करूँगा बस। ये देखो उसमें मैंने कितनी बार करा था, इसमें से एक बार करूँगा इस वीडियो में आपको, तो देखो कितना कितनी क्वांटिटी। ये देखिए झा झा करूँगा ना, वहीं वहीं आएगा। और इसकी करूँ एनजो की, ये देखो कहीं नहीं दिख रहा गाइस कहीं भी। ये देखो आज तो हवा ही निकलती है गाइस में, इसका जो पंप है ना, कितनी वीडियो में इसकी बहुत तारीफ करी, लेकिन गाइस में इसको 5 में से 2 स्टार दूंगा सिर्फ, और इसको दूंगा 4.5 स्टार, क्योंकि 5 नंबर है। इसकी होल्डिंग इतनी अच्छी है ना गाइस, इसको आपने क्या करना है, पहले अच्छे से बालों को अपने सेट कर लेना है, जिनके बाल स्मूथ साइन है, एकदम स्टे नहीं करते, खड़े नहीं होते, किसी को वैक्स लगाते, वैक्स वैक्स मत लगाओ गाइस, बहुत हार्म है वैक्स का। आप हेयर स्प्रे यूज़ करो, ये देखिए ज़्यादा बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है ये यूज़। ये देखिए
आप कभी भी हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं ना, तो आप कितने देखा होगा यहाँ से यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से आप यूज़ करेंगे ना, मैं इसका बताता हूँ क्या होता है कि पास से यूज़ करने। ये देखिए एकदम लिक्विड में आता है। इससे क्या होता है, हेयर में ना कॉम करते हो ना, टैंगल्स बन जाते हैं और बाल टूटते हैं। हेयर स्प्रे को हमेशा इतनी दूर से यूज़ करना है आपको, ऐसे करना है पंप दे के। कितने हेयर स्प्रे कैसे यूज़ करते गाइस, लिया ये ऐसे 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 नहीं करना है, इसको पंप कर करके एक दो, फिर बालों को सेट करा इस तरीके से, दूर से रखना है। अगर आपको थोड़ा डायगोनल पकड़ना है इस तरीके से स्प्रे, ये नहीं ऐसे इतनी पास से करोगे तो वो एक ही जगह लगेगा और वहीं पर ही टैंगल्स बना देगा, कॉम तो उसमें फंसेगी, बहुत सारे टैंगल्स आएंगे और फ्रिजनेस इतनी हो जाएगी ना हेयर में, शैम्पू के बाद भी नहीं जाएगा स्प्रे आपका, विदाउट कंडीशनर काम नहीं होगा आपका। और रही बात इसकी, कोई सा भी हेयर स्प्रे हो, ये हो एनजीओ टॉप हो, इसमें मेरे को बस ये रिव्यू करना था, अगर आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हो, लेडीज हेयर स्टाइलिस्ट हो, तो सबसे बेस्ट आपके लिए टॉप रहेगा। 5 नंबर, 6 नंबर भी इसका बहुत अच्छा है, क्रिस्टल साइन ब्लू कलर में आता है, रेड का भी अच्छा है। रेड में गाइस क्या थोड़ा माइल्ड है, होल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, जब हेयर स्टाइलिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो रेड से क्या है फाइनल टच दे देते हैं शाइनिंग के लिए, एक तरीके से समझ लो शाइनर है, क्योंकि वो थोड़ा लोएस्ट प्राइस का शाइनर है। एक आता है ओसिस प्लस का, ओसिस प्लस का जो शाइनर आता है स्वार्ज़कोप का, वो थोड़ा महंगा पड़ता है लोगों को, तो इसलिए को नहीं खरीद पाते और इतना हेयर स्टाइलिंग के कोई इतना पैसे नहीं देता। 500 से स्टार्टिंग में कौन गाइस ओसिस प्लस का स्प्रे लगाएगा, तो इसका शाइनर रेड कलर में आता है वो लगा लेते, उसकी होल्डिंग होता है हेयर स्प्रे लेकिन शाइनिंग उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और 5 नंबर का सबसे ज़्यादा चलने वाला हेयर स्प्रे का ये देखिए, उसकी फ्रेगनेंस की बात करें तो गाइस ओहो, फ्रेगनेंस की बात करें तो गाइस एनजो की सबसे अच्छी फ्रेगनेंस है, सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस है एनजो की। इसके फ्रेगनेंस लेवल गाइस बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं ना गाइस, मिक्स फ्लावर्स होते हैं, ऑर्चिड होते हैं, रोज़ होते हैं, उसमें चमेली मोगरा वैसे आते हो गाइस। फ्रेगनेंस की इसकी बात करें तो गाइस बिल्कुल एल्कोहल गाइस, नाक में एकदम चुभती है इसकी फ्रेगनेंस, एल्कोहल देखा सैनिटाइजर, सैनिटाइजर सेम फ्रेगनेंस है। पर ये नहीं कि आप लगा लोगे पूरे दिन आपको फिर उसी की फ्रेगनेंस लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जब एक ही बार लगाओगे तो उसी टाइम आपको फ्रेगनेंस लगेगी। फ्रेगनेंस में तो गाइस एनजो बेस्ट है, रेटिंग में फ्रेगनेंस में इसको पूरी 5 दूंगा, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट फ्रेगनेंस है इसकी। अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करते हो गाइस, आपको अगर प्रोफेशनली लेवल पर हेयर स्टाइलिंग करनी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है टॉप। और इसमें गाइस की कॉपी भी बहुत ज़्यादा आती है, इसकी कॉपी और ओरिजिनल में क्या फ़र्क है उसकी वीडियो में अगली वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। ये तो मेरा सिर्फ रिव्यू था एनजीओ और टॉप में, और गाइस वीडियो को बस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेक केयर, बाय बाय गाइस।